गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैंने आपको एक बात भी बताई थी, कई सारे आपके प्रीवियस वीडियोज आपको प्राप्त हो रहे होंगे, सभी वीडियोज को आप लोगों को पेंडिंग वीडियोज आप लोगों को देखना है और किसी भी वीडियोज को आपको ड्रॉप नहीं करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था और उसमें जल प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित और रोका जा सकता है, इन सब बातों को मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 347 आज निकालिएगा। स्टूडेंट्स, 347 पेज नंबर जब हम निकालते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पॉइंट नंबर 8 पर आइएगा। इनकरेज फार्मर्स टू यूज नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मीजर्स इंसेटेड आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स। हम खेतों में कई सारे कीटनाशक का उपयोग करते हैं जिनके कारण हालांकि खेती अच्छी होती है, कीट वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन वर्षात के दिनों में पानी के साथ वो कीटनाशक, वो पेस्टिसाइड बहकर नदियों और तालाबों में चले जाते हैं, जिनके कारण रिवर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटिंग स्वेज इन स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन टू वाटर बॉडीज। गंदे पानी को सीधे ही तालाबों में फेंक देने से, नदियों में फेंक देने से भी वाटर पॉल्यूशन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। रीयूजिंग द ट्रीटेड वाटर आइदर फॉर ग्राइंडिंग फॉर कूलिंग पर्पज वेन एवर पॉसिबल। इसके बाद पानी को, वही गर्म पानी को बाहर फेंक देना। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर यूज ऑफ वाटर शुड बी प्रिवेंटेड। मैंने आपको बोला कि ओवर यूज ऑफ वाटर शुड बी प्रिवेंटेड। यदि पानी का उपयोग हो गया है, पानी का उपयोग हमें जरूर नहीं है, तो पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। वॉश क्लोथेड ए प्लेस अवे फ्रॉम द वेयर। कपड़े वगैरह तालाब के आसपास दूर धोना चाहिए, ताकि कपड़ों के, क्या होता है, कपड़ों में हम साबुन वगैरह लाते हैं और साबुन क्या केमिकल से मिलकर बने होते हैं, जिससे तालाबों का पानी गंदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लॉ रिलेटेड पॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड सो डैट पोल्यूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज्ड और डायरेक्टली इन टू रिवर्स एंड लेक्स। कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि लोग जल प्रदूषण ना करें। यदि करें, मैंने कल भी बताया था, सजा का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्री एरियाज। सभी औद्योगिक क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए। वी ऑल शुड ट्राई टू सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट टू। हमें पानी को बचाना चाहिए। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र। हमारा मंत्र है, पानी को कम उपयोग करो और उपयोग करें तो रिसाइकल करो गंदे पानी का और पुनः उपयोग बार बार करो। टेस्टिंग ऑफ एटमिक एक्सप्लोरेशन नॉट टू प्लेस इन सी। परमाणु भट्टियों का परीक्षण हमें समुद्री एरिया के आसपास नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी डेली क्लीनिंग एंड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग वाटर सोर्सेज। जल स्रोतों का डेली निरीक्षण होना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, कोई गंदा तो नहीं हो रहा है, गंदा है तो उसमें जो भी लाल दवा होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, उनका उपयोग करना चाहिए। डोमेस्टिक गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। घरेलू कचरे को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जो डस्टबिन होते हैं ना उसमें हमें फेंकना चाहिए, ताकि सीधे नदियों में, तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। बस, तो ये आपके आज पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ और वेस्ट दिए गए, म्यूनसिपैलिटी वेस्ट, अनट्रीटेड स्वेडन गार्बेज, एनिमल एक्स्ट्रा, जानबूझ निकलने वाले कचरे, मलमूत्र, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनको भी नहीं फेंकना चाहिए, और भी जो घरेलू कचरे हैं इनको हमें कोशिश करें कि नदियों तालाबों में नहीं फेंकें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरीके से रहिए, घर पर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।